पाकिस्तान की तरह नहीं मारत भाई के पान खा लो <laughs> ले के थुकना पिछले सारे पार चढ़ने तो आपको बड़ा फायदा हो सकता है क्योंकि जब हम आए थे हमें कोई बताने वाला नहीं था और हम इन परेशानियों में से गुजरे है अगर आप एक दफा इनके कंप्यूटर में आ जाते हो तो फिर ओके okay, जी सामकम एवं क्या है सब लोगों का आ, आज है मेरे साथ आ, अली हमद भाई जो कि कोरिया के अंदर एक यूट्यूबर हैं कोरिया लैंग्वेज के बारे में बताते हैं और दूसरे नंबर पे हैं मेरे साथ उस्मान जो कि कोरिया के अंदर ई नाइन वर्किंग वीज़ा के बारे में इनका अपना चैनल है दोनों के चैनल का लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में होगा आज की वीडियो बहुत ही मजे की है और आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कोरिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो है ना डिफ्रेंसिस दोनों के कल्चर के डिफ्रेंसिस क्या मुख्तफ चीज़ें इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर क्या क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे जल्दी से अपना प्यारे लोगों को चाहने वालों को थोड़ा सा अपना हेलो हेलवाई कर दें जी वालेकुम मेरा नाम हमाद है और मैं पिछले आठ से नौ सालों से कोरिया में हूँ असलम तुम व्ययस को मेरी तरफ से और मेरा नाम उस्मान अदर है और मैं पिछले चार साल से कोरिया में रह रहा हूँ ई e नाइन वीज़ा पर ओके गाइस विदाउट अ फर्दर डू लेट्स के स्टार्ट तो हमाद भाई पहले आपसे आपको माशाल्लाह आठ साल हो गए हैं हमारे तीनों में से सबसे ज़्यादा अर्सा आपको हो गया क्या पहला क्या डिफरेंस है पाकिस्तान और साउथ कोरिया के अंदर एक तो ये सुबह जब उठते हैं जल्दी उठते हैं जो सबसे अच्छी बात है और सुबह का नाश्ता दोपहर का लंच और रात का जो डिनर है ना ये एक परफेक्ट टाइम पे ताँग करते तो हैं ये हमारी तरह नहीं है कि कोई दस बजे उठ रहा है कोई ग्यारह बजे उठ रहा है और चार चार पराठे खा रहा है ऐसा नहीं है ये तीन टाइम खाते हैं और थोड़ा थोड़ा खाते हैं मान भाई आप क्या बताएंगे पकौड़ी और पाकिस्तान का डिफरेंस जो आपको सबसे पहले क्या नजर आता है मैं तो खाने के मतलब बताऊँगा कि ये खाने में बहुत ज्यादा एहतियात करते हैं मतलब ओवर कभी भी नहीं करते और मुनासिब अपनी भूख से भी कम खाते हैं ये और जितना और हल्की पुल्की खुराक कभी मतलब ये नहीं कि जिस तरह से हम अक्सर खा रहे होते हैं कि दस डिशें तो दस लाजमी खानी है हमने खत्म <laughs> तो 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 करनी वो है।, वो है तो जगह भी नहीं होती है वो भी हम फुल कर लेते हैं एक्स्ट्रा करते हैं लेकिन यहाँ पे ये नहीं करते मुनासिब चीज़ लेते हैं थोड़ी सी चीज़ लेते हैं जितना वो हल्का पुल्का और उससे अपनी भूख से भी कम खाते हैं एक ये मेन डिफरेंस है अच्छा मैं अभी ये बताऊँ मेरे ख्याल में ना पहला कोई डिफरेंस मैंने जब कोई जाकर देखा था वो ये था यार कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो है ना लोटा नहीं है <laughs> हाँ, हमारे आ, नहीं हाँ आप घरों में होता तो है कोरिया के अंदर लोटा नहीं होता तो वो शुरू में यार बहुत मसला हुआ था कि आप जहाँ पे भी चले जाए तो ना तो वो ये लोग टिशू यूज़ करते हैं बाथरूम के अंदर पानी वगैरह की फैसिलिटी या जो मुस्लिम शावर हैं वो नहीं होते तो मैं जो है ना शुरू से लोटा बड़ा फिर जब यहाँ से फिर मैंने मार्ट पे जा स्पेशल लोटा डब्बा वगैरह अरेंज किया फिर दोबारा जब पाकिस्तान आया था तो मेरे बैग के अंदर दो लोटे थे एक मेरे और एक दो सामान मैं भी जब दूसरे दोबारा आया था तो मैं लोटा लेके आया था क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे वसूल कर

वापस आया हूँ जो मैंने सबसे ज़्यादा देखा है कि कोरिया में अगर आप किसी सरकारी इदारे में जाते हैं ना कोई आपको काम है पुलिस स्टेशन में या डाखाने में या हॉस्पिटल में तो इनकी कोशिश होती है कि इसके काम को जल्दी से जल्दी हल किया जाए इसका टाइम ना ज़ाये किया जाए ना पाकिस्तान में ये चीज़ मैंने देखी है कि वो बस कहते हैं कि सुनते ही नहीं है बात ना कि इधर चले जाओ इधर चले जाओ वो कहते हैं कि बस ये करे किसी तरीके से ना ये इनमें नहीं है ये समझ समझने कि अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देकर जो है ना खुश, खुश होते, होते हैं आसमान है। एक और डिफरेंस को बताएँ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा पाकिस्तान और कोरिया में ये डिफरेंस कि पाकिस्तान में जो मैंने सबसे ज्यादा चीज़ देखी है कि वहाँ पर अक्सर जो है ना बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट की जाती है बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोई भी है चाहे जगह है उनकी फिक्स बुज़ुर्गों की नहीं है लेकिन हाँ। वहाँ पे पाकिस्तानी कोई भी है वो खड़ा हो जाएगा अगर जंग हाँ हाँ तो हाँ वो बुज़ुर्गों की जगह देगा लेकिन यहाँ पे ये यह काम नहीं है हाँ। यहाँ पे अलग बाकायदा उनके लिए सीट बनी हुई है लेकिन अगर उसके अलावा कोई बैठना चाहता है तो वो कभी नहीं उठेंगे अगर रिजर्व सीट वहाँ पे बैठा हुआ ना तो ये चीज़ मुझे मतलब कोरिया की थोड़ी सी मुनासर नहीं लगी लेकिन पाकिस्तान में यह सबसे अच्छा है वेरी गुड इसी से एक्चुअली रिलेटेड एक ये चीज़ है कि पाकिस्तानी जो है ना बड़े एक तो मेहमान नवाज तो डेफिनेटली होते हैं दूसरा दोस्तों के अंदर ना जब हम खाना तीन दोस्त खाना खाने जाते हैं ना तो हम लोग कोशिश होती है कि यार हर बंदे की यार मैं पहले पे करूँ पे करूँ फोरियन होती है कि यार मोस्टली वो लोग कहते है कि हर एक अपना अपना है। अपना हैं, हैं कि यार अपना अपना दे देते डिवाइड करते हैं लेकिन पाकिस्तानी इतने मिलनसार होते हैं कि जब मह मेहमान आ जाए या सिर्फ दोस्तों के साथ भी कभी आउटिंग के लिए चले जाओ तो डेफिनेटली कुछ दोस्त कहते हैं यार ट्रीट वगैरह किसी से ले, ले लेते हैं लेकिन यूजली ये होता है हर बंदे की ख्वाहिश होती है, है क्या कि, कि मैं पहले पे करूँ तो इसलिए हिसाब से पाकिस्तानी बहुत ही मिलनसार और मेहमान नवाज़ होते हैं हमारा भाई एक और डिफरेंस बताएं एक चीज मैंने इधर और देखी है कि पुलिस वाले भी ढूंढ रहे होते हैं कि हमारे पास कोई केस आए हाँ। exactly. कैसी बात है ना है है कोई केस आए हाँ और हम उसकी हेल्प, हेल्प करें और मैं आपको बताऊं एक चीज मैं आपको पहले बताता हूं चलो इसको छोड़ें अगर आपकी कोई चीज कोरिया में गुम हो जाती है कमाल। देखें कि अभी आप खुद सोचें मेरा मोबाइल तीन दफा गुम हुआ जब मैं क्लासेस लेता था तो नींद बहुत आई होती थी नाइट की होती थी तीन दफा ट्रेन में रह गया जी अच्छा ट्रेन में रह गया वो आगे चला गया पता नहीं किधर किधर मैंने जाके कॉल करके चार पाँच घंटे बाद वापस, वापस लिया एक दफ़ा बस में रह गया उधर से भी लिया टैक्सी में रह गया उधर से भी मैंने ढूंढ लिया और मिल गया है कोई आपका पर्स कुछ भी गुम हो जाए तो आपको मिल जाता है गारंटी है दिल कोई ले गया फिर दिल वापस कर देते हैं ले जाइए करना है सात दिल है ना थे बैठे त्यार बैठे हाँ जी अगे ही कहने की जे ना कोई लाइए आप क्या हमारे मुल्क में ये है चीज की पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है पाकिस्तान की वहाँ पर अगर आला हो जाते हैं शादी शुदा के बाद तो यहाँ पे जो है ना वो अपने पेरेंट्स को अलहदा कर देते हैं कोरिया में लेकिन पाकिस्तान में यह जा उनको ज़्यादा खुश होती है थी कि अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखते हैं रिस्पेक्ट करते हैं आ, लेकिन यहाँ पे ये यह चीज़ नेगेटिव मैं कहूँगा कि यहाँ पे ये यह अपने पेरेंट्स को इग्नोर करते आ, हैं अलग साइड भी कर देते हैं और एक और मैं डिफ्रेंस ये कहूँगा यार कि कोरिया और पाकिस्तान के अंदर जब मैं पहले दो कोरिया था तो एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा जो कल्चरल शौक लगा था वो ये था कि कोरियन जो है ना ये अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा पीते हैं तो जो शराब वगैरह कंज्यूम उनके अंदर जो कंज्यूमिंग कंट्रीज़ है ना टॉप कंज्यूमिंग कंट्रीज उसके अंदर कोरिया टॉप के ऊपर आता है टॉप टेन के अंदर बड़ी ये लोग चाहे आपने स्ट्रेस में हो तो ये शराब पियेंगे और आपने हैप्पी हैं शराब में दोस्तों के साथ मिलते हैं शराब शराबा पीते हैं तो अनफॉर्चुनेटली ये काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और उसके बाद स्मोकिंग भी है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है लड़कियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा कर रही होती हैं और कोरे के अंदर एक टर्म भी है ऐसी है कि अगर आपने एक दूसरे का हंस में घुल मिलना हो ना कहते हैं कि लेस गो फॉर ड्रिंकिंग तो ये लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हैं इस चीज़ के एक और मेरे माइंड में आया कि यार यहाँ के जो बूढ़े लोग हैं ना वो लोग इतने हेल्दी हैं कि लाइक इनकी एवरेज एज अस्सी साल से ज़्यादा है कोरियन के अंदर हाँ हाँ पाकिस्तान में एवरेज एज होती है 63 64 65 फोर सिक्सटी फाइव कोरिया के अंदर 80 साल तो एवरेज हर बंदा ने आलमोस्ट इतना ज़िंदा रहना होता है उसकी रीज़न होती है कि इनकी खुराक अच्छी है डेफ़िनेटली और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं इस वजह से जो जो बूढ़े लोग हैं ना वो लोग आप लोग देखोगे जो हाइकिंग करते हैं पहाड़ों के ऊपर जाते हैं वो आपको ज़्यादातर बूढ़े लोग नज़र आते हैं और बूढ़े लोगों का मशगला होता है कि यार हम लोग जाएँ हाइकिंग करें पहाड़ों के ऊपर जाएँ तो पाकिस्तान में डेफिनेटली कुछ होते हैं जो हमारे पुराने देसी लोग थे ना जो मक्खन छन खाते थे एक्सरसाइज वगैरह करते थे वो तो डेफिनेटली हेल्दी हैं आजकल इतने ज़्यादा वो नहीं है लेकिन कोरिया के अंदर ये चीज़ मैंने बहुत देखी है कि बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं काम करते हैं अस्सी साल की अजुमा जो ओल्ड लेडीज़ होती हैं वो भी बाहर कुछ ना कुछ बेच रही होती हैं तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं देखने में नज़र आती और एक चीज़ और सफाई के बारे में मैं आपको बताऊँ कि ये सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या अपनी गाड़ी पे भी हो चाहे तो अगर इन्होंने जूस पिया है या कोई चीज़ खाई है तो उसको ये शॉपर में डाल लेंगे और जब उतरेंगे उस वक्त ये है ना उसको सिरे में मैं फोरी करेंगे ठीक है ना और सिरे भी अलहदा अलहदा लगाई हुई है अगर कैन है तो वो अलहदा करेंगे और कोई जो इल्बन सिरे होती है उसको अलहदा करेंगे पाकिस्तान की तरह नहीं माजद भाई के पान खा के थुकना तो पिछले सारे भर छड़ने कर देना मैं भी देखा यकीन करो रक्शे वाला मैं जा रहा हूँ जनाब गड्डी जा रहा हैं उन्हें रक्षा ने अदर निक है देखो ना इस तरह की चीजें इधर नहीं है भाई। तो आप अपने आप को ना सीधी सी बात है कि इधर सेफ महसूस करते हो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो पैसे के हिसाब से सहूलियात के हिसाब से हर चीज के हिसाब से जो है ना मजा आता है रहने का ना बैंकिंग सिस्टम बहुत स्पीड तेज है और इसका जो है ना अच्छा है uh, भी लास्ट डिफरेंस मैं एक चीज़ ये बताना कि बता पर बिग जो है ना ये बहुत ज्यादा खाते हैं पोर्क जिस आमतौर उर्दू जबान मैं लेता था ला तो ये चीज़ ये बहुत ज़्यादा खाई थी लेकिन शुक्र अलमदिल्ला के ये पाकिस्तान में ज़्यादातर ये चीज़ यूज़ नहीं होती और दूसरी मैं चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं खास करके नूडल्स वगैरह खरीदते हैं तो उसके ऊपर लाजमी ई कोड चेक किया करें पाकिस्तान में भी क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैंने देखा पीछे वीडियो बनाई है उन्होंने वहाँ पर यह चीज़ यूज़ करते हैं बर जो जाती हैं हाजी कोरिया से जिस मुल्क से भी जाती हैं तो कोशिश किया करें वो चीज़ अवॉइड किया करें क्योंकि इनके अंदर अक्सी चीज़ें मौजूद खास कर चॉकलेट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि ये एक यहाँ पर थोड़ा अच्छा नहीं है कि हम खुद जब कोई चीज़ खाते हैं तो अच्छी तरह चेक अच्छी तरह, तरह चेक करते, करते हैं, हैं कि उसके अंदर चीज मौजूद है या नहीं है उसके बाद हम खाते हैं तो पाकिस्तान में कोशिश किया करें कि जब भी कोई चीज़ बाहर से या कोई खास होती है तो उसको चेक करने के बाद आप लिया करें खाया करें इसको। ये एक मेन डिफरेंस है ये चीज़ें देखें एक तो आपको बताने का फायदा ये है कि जो लोग आउट ऑफ कंट्री से हमें देख रहे हैं देखें अगर आप एक बंदे को भी हमारी चीज़ों की समझ आती है जो हम बातों की बता रहे हैं तो आपको बड़ा फायदा हो सकता है क्योंकि जब हम आए थे हमें कोई बताने वाला नहीं था नहीं। और हम इन परेशानियों में से गुजरे हैं हमारे साथ बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़ हुए हैं कि हमको नहीं पता था तो अगर आप वीडियो देखते हैं कोई भी बंदा अल्लाह करे हमारी दुआ है कि जो भी ये वीडियो देखे जो भी कोरिया आना चाहता है वो आए तो आप कोई फ़ायदा होगा इन चीज़ों का ना लास्ट थिंग जो मैं वीडियो इस चीज़ पेन करेंगे कि यार यहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है कन्वीनियंट है आप यहाँ से अपने घर से बाहर निकलो सबवे स्टेशन सामने होता है वहाँ से लो सीधा एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट जो है ना उधर जा निकलते हो आ, कोई चेकिंग नहीं कोई रोला नहीं कोई गाड़ी की डिग्गी खोलो ये करो खोलो एक बंदा अंदर जाए नहीं ऐसे सिर्फ सबवे से बैठो वहाँ पे जाकर निकलते हो एयरपोर्ट से ट्रेन लो सीधा आप अप, अपने घर आके निकलते हो जो यहाँ पे जो कन्वीनियंस स्टोर्स हैं वो 24 घंटे 24 फोर बाय सेवन ऊपर होते हैं कोई आपको वो नहीं होता कि आपने वो जो है ना अपना वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हो ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होता हर तरफ लाइफ बहुत कन्वीनियंट है और सबसे आखिरी की सेफ्टी चाहे आप लड़की हैं या लड़का हैं रात के दस बजे हों दो बजे हों चार बजे हों बाहर जाएंगे तो आपको कोई खतरा नहीं होता किसी चीज़ से भी सिर्फ हम आधबाई जैसे लोग होते हैं जो सी मारते होते हैं तो उनके उनके अलावा कोई आपको ख़तरा नहीं होता ठीक है इनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन है ज़बरदस्त है मतलब आपको किसी जगह भी कोई भी परेशानी नहीं होती आपका एक कार्ड होना चाहिए आपके पास ए और आप हर जगह घूम सकते हैं एक आपको मैं बड़ी मेन चीज़ बताता हूँ कि बात है दो लफजी अगर आप एक कानून के मुताबिक कोरिया में रहते हैं तो लॉन्ग अरसे तक आप रह सकते हो और अगर आपने कोई गलत काम किया तो ये छोड़ते भी नहीं हैं कानून इनका बहुत ज़्यादा जो है वो सख्त है तो ये भी चीज़ आपने जहन में रखनी है कि सीधे से रहना इधर आके जब आपने आना लालच नहीं करनी कोई ऐसा काम नहीं करना क्योंकि अगर आप एक दफ़ा इनके कंप्यूटर में आ जाते हो तो फिर उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है तो आपने अच्छे तरीके से रहना क्योंकि जब जो भी बंदा इधर आएगा वो अच्छे खासे पैसे कमाएगा देखें चार लाख साढ़े तीन चार पाँच लाख तो आम अभी सैलरी है गोरिया में तो बहुत होती है ज़्यादा लालच नहीं करनी कानून को फॉलो करना है इसी में आपकी बेहतरी है ये मैं एक बात है पाकिस्तान के नाम भी इसे बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पास्तानियों को बुलाने की कोशिश करेंगे अगर हम यहाँ पे अच्छा काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो फिर नेक्स्ट को पाकिस्तानियों को नहीं, नहीं बुलाएंगे ओके गाइस okay uh, आज की वीडियो जो है ना यहाँ पे खत्म करते हैं थैंक यू सो मच हम आद भाई थैंक यू सो मच मान भाई आप आए चैनल के ऊपर तो गाइस कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी वीडियो के अंदर भी कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आई होप कि आप लोग कोरिया भी आएँ और एट द डे जहाँ पर भी जाएँ अपना और अपने कंट्री का नाम रोशन करें टेक केयर अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें एंड अल्लाह बाय